आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आदेश की एकता के विषय में। देखो, आदेश की एकता का मतलब क्या होता है? प्रबंधक के इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को एक ही समय पर केवल एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए और वह कर्मचारी उसी अधीनस्थ के प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए। एक कर्मचारी को एक समय पर केवल एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होना, यह आदेश की एकता कहलाता है। देखो, अगर एक ही कर्मचारी को बहुत सारे अधिकारी आदेश दे देंगे तो वो अपने आप को भ्रमित स्थिति में पाता है कि वह किसके कार्य को अधिक प्राथमिकता दे, वह किसका कार्य पहले करे। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि मान लो यहाँ पर हमारे पास एक M1 अधिकारी है और यहाँ पर एक M2 अधिकारी है। हमारे पास दो अधिकारी हैं और यहाँ पर अधीनस्थ है S1, S2 और S3। तीन अधीनस्थ हैं। M1 ने S1 को आदेश दिया, S2 को भी आदेश दिया और S3 को भी आदेश दिया। ऐसे ही M2 ने S1 को भी आदेश दिया, S2 को भी दिया और S3 को भी दिया। अब देखो, मान लो S1 कर्मचारी अधीनस्थ को कोई काम करना है तो वो अपने आप को भ्रमित पाएगा कि वो पहले M1 अधिकारी का करे या M2 का। ये हमारा गलत तरीका हो जाता है। इसी तरीके से मान लो यहाँ पर एक M1 अधिकारी है और यहाँ पर तीन अधीनस्थ हैं S1, S2 और S3। ये अधिकारी तीनों अधीनस्थों को काम देता है। अब इन तीनों को पता है कि हमें किसका कार्य करना है, M1 का, और इसी के कार्य को प्राथमिकता देनी है, तो वो इसी के कार्य को आराम से कर पाएंगे। उनको कोई भ्रम, किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं होगा, ना उनको काम करने में कोई भी दिक्कत आएगी। इसलिए हमें यहाँ आदेश की एकता का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे काम को सही तरीके से करने के लिए। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।